नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और बात कर रहे हैं बिहार की, जहां के लोग इस वक्त देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। आपके घर में काम करने वाली बाई हो सकता है बिहार से हो, पार्किंग में आपकी गाड़ी साफ करने वाला व्यक्ति बिहार से हो सकता है, आपके खेतों को दिन रात सींचने वाला व्यक्ति भी बिहारी हो सकता है। हो सकता है जिस ऑटो में बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसे चलाने वाला भी बिहारी हो, और हो सकता है कि आपका टीम लीडर, आपका बॉस या ऑफिस में काम करने वाला आपका दोस्त बिहारी हो। अंतर है ना, कहां हम एक कर्मचारी से बॉस तक पहुंच गए। सच्चाई यह है कि बिहार में जिस तरह के हालात बाढ़ की वजह से पिछले कई सालों से वहां पर बने हुए हैं, उससे वहां अभाव पैदा हुआ है। लोग प्रभावित हुए हैं, लोग दिन रात उस अभाव को झेलते हैं, उससे प्रेरित होते हैं कि उन्हें जिंदगी में कुछ कर गुजरना है, और ऐसी चाह रखने वाले लोगों को वो अभाव हौसला देता है कुछ कर दिखाने का। यही वजह है कि वो सभी अपने अपने घरों से दूर हैं, बड़े शहरों में काम करके वो जो पैसा कमाते हैं उसे गाँव भेजते हैं, वहां उनका परिवार फिर अपना गुजारा करता है। जो पढ़ लिख गया, जिसे राह मिल गई, वो अधिकारी, मालिक या बड़ा आदमी बन जाता है। जो नहीं पढ़ पाया, वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेता है। यहाँ सवाल ये है कि बिहारी यानी बिहार के लोग पहले के मुकाबले काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर बिहार पीछे क्यों है? वहां का प्रशासन क्यों इतना सुस्त है कि 83 लोगों की मौत का मातम पूरे राज्य में मन रहा है? बाढ़ से कम 47 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं, तो अब तक प्रशासन ने वहां जाकर सुध क्यों नहीं ली? आपको भी इस सवाल ने थोड़ा सोच में डाल दिया होगा। बीते दिनों चमकी बुखार की चपेट ने बिहार को घेरे रखा। कभी वहां इतना सूखा पड़ जाता है कि लोग पानी की एक बूंद के लिए भी तरसने लगते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात बिहार में बने हुए हैं, उन्होंने देश का सर झुका कर रख दिया है। ये वो बातें हैं जिन पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। लोग सिर्फ अपने काम, अपनी चीजें, अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दे रहे हैं। अमीर अपने घर भर रहे हैं, बेचारे गरीब खाने को भी तरस रहे हैं। वैसे तो बिहार में पिछले साल भी बाढ़ आई थी, उस बार उसका असर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उससे एक साल पहले जो बाढ़ आई थी उसने उत्तर बिहार में भीषण तबाही मचा दी थी। अभी के हालात ये हैं कि इस बार भी बाढ़ ने बिहार में दस्तक दे दी है। पिछले करीब 2 हफ्तों से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल बिहार की स्थिति नर्क के समान बन चुकी है। यहाँ बाढ़ ने गांव के गांव, शहर के शहर पानी में डुबा दिए हैं। सरकार बयानबाजी के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। बिहार में 47 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 12 जिलों में नर्क का माहौल है। 83 मौत का मातम पूरा राज्य मना रहा है, लेकिन प्रशासन सुस्त पड़ा है। घरों की दहलीज ढहने को तैयार है। ताश के पत्ते के समान बिल्डिंग गिर रही हैं, पानी में ढहती चली जा रही हैं, कंधों तक पानी पहुंच गया है, लोग पलायन कर रहे हैं। ये प्रलयकारी बाढ़ पूरे राज्य को बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी है। जिस बुजुर्ग को इस वक्त, इस उम्र में घर में आराम करना चाहिए, वो घरों से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। इस बाढ़ के प्रकोप से इंसान तो जैसे तैसे अपनी जानें बचाकर ऊंची जगह पर शरण ले रहे हैं, लेकिन जानवरों की जान तो अभी भी हलक में अटकी है। और ये सब हो रहा है कोसी नदी के बदौलत, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपको बता दें कि कोसी क्षेत्र से तटबंधों से सटे इलाकों में हर साल बाढ़ आती है। थोड़ा नहीं बल्कि लाखों के जान माल का नुकसान होता है। वहां लोगों ने मान लिया है कि शायद उनकी नियति में ही ये लिखा है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साल 1955 में कोसी परियोजना की शुरुआत की और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने कोसी बैराज का उद्घाटन किया। बैराज बनाकर नेपाल से आने वाली सप्तकोशी के प्रवाहों को एक कर दिया गया और बिहार में तटबंध बनाकर नदियों को मोड़ दिया गया। कोसी क्षेत्र में नहरों को बनाकर सिंचाई की भी व्यवस्था की गई। कटैया में 19 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाला एक पन बिजली केंद्र स्थापित हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा हुआ कि क्या कोसी परियोजना जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि वहां पर जो बाढ़, ये जो नदी बाढ़ का प्रकोप बना रही है, वो कंट्रोल हो, वो हुआ? तो जवाब होगा नहीं। कहां तो ये दावा किया गया था कि 15 साल के अंदर बिहार में बाढ़ रोकी जाएगी, लेकिन आज 66 साल बाद भी बिहार पानी पानी हो रहा है। एक लंबा रिकॉर्ड है कि पिछले कितने सालों में बिहार में ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा। जल संसाधन को लेकर भारत और नेपाल के रिश्ते काफी उलझे हुए हैं, लेकिन हाल के सालों में दोनों देशों के रिश्ते जून से लेकर सितंबर तक चलने वाले मानसून सीजन में और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बाढ़ के कारण दोनों पड़ोसी देशों में तनाव पैदा हो जाता है। दोनों देशों के नाराज लोग बाढ़ से परेशान होकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस साल भी बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी। नेपाल और बांग्लादेश में दर्जनों लोगों को
मौत का सामना करना पड़ा। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में 30 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ के कारण विस्थापन का सामना कर रहे हैं। बिहार में तबाही मचाने वाली कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, इस कोसी बैराज में 56 फ्लड गेट हैं। जब मानसून के कारण आई बाढ़ से नदी का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है, सभी गेटों को न खोलने के लिए नेपाल का प्रशासन भारत की आलोचना करता है। नेपाल का कहना है कि इससे उनकी यहाँ की रिहायशी बस्तियां प्रभावित होती हैं। और एक बार फिर से बता दें कि बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, असम भी इसकी लपेट में आ चुका है, चारों तरफ त्राही त्राही है। लोग कह रहे हैं अब तो बस करो भगवान, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश की और भी बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।